गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी ऑनर्स पार्ट वन मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने प्रपोजिशनल कैलकुलस के वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी लास्ट में आप लोगों को मैंने कुछ स्टेटमेंट देन प्रपोजिशन किसे कहते हैं, स्टेटमेंट पी और क्यू, उससे हमें ट्रू टेबल्स किस तरह से बनाते हैं, फिर अलजेब्रा ऑफ दी प्रपोजिशंस और फिर लॉजिकल प्रपोजिशंस के बारे में कल हमने बात की थी। आज मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन लॉ फॉर प्रपोजिशन, डी मॉर्गन लॉ फॉर प्रपोजिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये हम लोगों को करना है। तो कल मैंने आपको इसका वो दिया था, फर्स्ट नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू is implies by negation of P and negation of P and negation of Q. And second condition, negation of Q and P, P and Q is implies by negation of P or negation of Q. इसके true table बनानी है हमें, true table हमें ये प्रूव करना है कि इसकी सत्यमान सारणी की सहायता से इन रिजल्ट्स को प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल इज गिवन बाय दिस लाइक दिस, पी क्यू देन पी एंड क्यू, पी और क्यू, देन नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, negation of P and negation of Q, and last one is negation of P or negation of Q. ये हमारी मैक्सिमम टेबल होगी इन दोनों लॉज के लिए। ये जो लॉज है कि negation of P or Q is implies by negation of P and negation of Q, then negation of P or and Q is given by negation of P and negation of Q, मतलब or and and। ये आपको ध्यान रखना है कि symbols, this symbol and this symbol, इन दोनों का use मैंने last के videos में बताया था कि आपको इसका क्या meaning है, कि this is conjunction। First जो अपने पास है वो conjunction है, ये वाला, this is conjunction। और conjunction जो हमारे पास है संयोजन, जिसे कहते हैं संयोजन, और दूसरा हमारे पास है disjunction। डिसजंक्शन निषेध, डिसजंक्शन मींस वियोजन। अब इनको जो करते हैं अपन लोग, इसका मतलब यह है कि अपनी जो पंक्ति है P सत्य है तो Q भी सत्य है, और इसका मीनिंग ये है और, मतलब तथा या और, ये इसका मीनिंग है, और इसका मीनिंग है या अथवा, अथवा या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं अपन और, ट्रू टेबल की जगह मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अथवा या ये ध्यान। फर्स्ट में अपन ने देखा था, जब ये फर्स्ट कंजक्शन है तो कंजक्शन में हमें देखना है, जैसे एफ कहीं भी आ गया पी एंड क्यू स्टेटमेंट में, एफ आ गया तो रिजल्ट विल बी एफ, लेकिन डिसजंक्शन में हमारे पास जहां भी टी आ जाता है तो रिजल्ट विल बी टी, ये ध्यान रखना है। तो देयर आर फोर कंडीशंस, पी टी एफ एफ, P, F, F, P, ये हमें टेबल बनानी है। दीज आर दी टू स्टेटमेंट, व्हेन P इज ट्रू देन Q आल्सो ट्रू, तो P एंड Q मींस ये और वाला सिंबल, इसका मीनिंग जहां पे T आ जाए तो P होगा, सो दिस इंप्लाइज दिस इज योर T। देन क्योंकि हमारे पास ये और वाला है और, दिस इज योर एंड, ये ध्यान रखना है बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज योर टी, दिस इज योर टी, दिस इज योर एफ, क्योंकि किसी भी कथन में, किसी भी प्रपोजिशन में यदि टी आ जाता है तो यहाँ रिजल्ट विल बी टी, एफ मींस एफ। एंड में देखिए, एंड में हमारा टी टी टी, फिर जहां भी एफ आ जाता है दैट इज एफ एफ एफ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। फिर नेगेशिएशन ऑफ पी मींस हमारे पास पी का एफ टी का एफ एफ टी और टी एफ एफ टी टी दिस इज नेगेशिएशन ऑफ पी। नेगेशिएशन ऑफ क्यू इज गिवन बाय टी का हमारे पास एफ एफ का टी फिर टी का एफ एफ का टी। ये नेगेशिएशन यहां से लिया जा रहा है, ये नेगेशिएशन यहां से लिया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ये टेबल दोनों हमने लास्ट में ट्रू टेबल में हमने देख चुके हैं, ये हमने यहां से लिया है कि इनका अपोजिट ट्रू है तो फॉल्स लिखे, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू। नेक्स्ट में देखें ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स एंड ट्रू। अब नेगेशिएशन एंड, देखिए ये वाला सिंबल, दिस सिंबल यहां से, इसका मतलब क्या है, जहां भी एफ आ रहा है वो एफ ही रहेगा, जहां भी एफ आ रहा है। तो नेगेशिएशन ऑफ पी नेगेशिएशन ऑफ क्यू एंड कंजक्शन के थ्रू, दिस इज अ कंजक्शन, सो एफ 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 जहां भी एफ आ रहा है एफ टी एफ टी एफ एफ एंड टी टी टी, दिस इज नेगेशिएशन ऑफ पी एंड नेगेशिएशन ऑफ क्यू। अब देखिए ये वाला डिसजंक्शन, जहां टी आ रहा है वहां टी रहेगा, तो नेगेशिएशन ऑफ पी नेगेशिएशन ऑफ क्यू एफ 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 जहां भी टी आ रहा है वहां टी रहना है, टी एफ टी और टी टी टी, तो एफ टी टी टी। दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल फॉर द डी मॉर्गन लॉ। सो देखिए यहां पे अपने पास जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऊपर का देखिए यहां से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नेगेशिएशन ऑफ पी एंड क्यू, पी डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू का नेगेशिएशन, पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू हमारे पास यहां पे है, इसका नेगेशिएशन अगर मैं देखूं तो इसका नेगेशिएशन क्या होगा, टी का एफ, ये देखिए इसका रिजल्ट कहां आएगा, यहां पे इस वाले कॉलम में, आप दिस कॉलम और दिस कॉलम देखिए, क्योंकि ये हमारे पास और का सिंबल है डिसजंक्शन का, दिस इज कन्वर्टेड टू कंजक्शन। तो देखिए टी विल बी कन्वर्टेड टू एफ, टी विल बी कन्वर्टेड टू एफ, टी विल बी कन्वर्टेड टू एफ, एफ विल बी कन्वर्टेड टू टी। सो दिस इज द सिमेट्रिकल ऑफ डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, कि नेगेशिएशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशिएशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इफ एंड ओनली इफ नेगेशिएशन पी एंड नेगेशिएशन ऑफ क्यू, दिस इज द कंजक्शन। सिमिलर वे में हमारे पास P and Q, this is the table of P and Q, this is the table of P and Q, इसका negation, आपको dissection में देखना होगा ये dissection, so देखिए P का F, F का T, F का T, F का T, so this results prove, this result is proved for negation of P dissection Q is same as negation of P, negation of Q, and P and Q is same as negation of P or negation of Q. These are the statement which is proved by De Morgan law for the truth table. फिर इसके बाद हमारे पास कुछ अलग-अलग events होती हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव या अपवर्जी नियम, अगला जो रूल होगा वो हमारा है अपवर्जी नियम। नेक्स्ट हमारा रूल है अपवर्जी अथवा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और या अपवर्जी और या अथवा अपवर्जी अथवा, इसको सिंपल अपन ये कहते हैं प्लस का सिंपल, कि मान लीजिए पी और क्यू दो कथन हैं, मतलब पी एंड क्यू आर दी प्रोपोजिशंस एंड पी एंड क्यू आपस में
अपवर्जी एक्सक्लूसिव कहलाती है सर, ट्रू है इफ लेट पी एंड क्यू आर परपोजिशंस देन पी एंड क्यू आर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव आर एक्सक्लूसिव और इज ट्रू इफ इफ पी एंड क्यू इज एग्जैक्टली ट्रू फॉर एग्जैक्टली ट्रू फॉर एनी वन, इन दोनों में से एग्जैक्टली ट्रू हो कोई एक तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव कहलाती है एंड इट इज डिनोटेड एज एंड इट इज डिनोटेड एज पी सिंबल ऑफ क्यू. पी सिंबल ऑफ क्यू means P Q then P plus or exclusive of Q P extra Q तो true false तो result is true. उसको चारों condition में अपन जमा दें, पहले true true true, true false, false true, false false. So this is T, this is T, this is F. This is T, this is T, this is F. This is called exclusive ya athwa. This is the same symbol of or ka jo hamare paas symbol hai wahi symbol isme kaam mein aata hai. Fir aata hai conditional statement. Next statement is conditional statement. Next is conditional statement. को हिंदी में कहते हैं अपन सप्रतिबंध, सप्रतिबंध प्रकथन. कंडीशनल स्टेटमेंट और या इम्प्लीकेशन, अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक. Let P and Q are the two propositions. Then, if P and Q conditional statement या implication कहलाते हैं, यदि इसे हम इसे denote करते हैं, P is implies Q. P is denoted by implies by Q. ये hypothesis होती है, और Q is conclusion. P is hypothesis. This is called hypothesis. और दिस इज योर कॉल्ड कंक्लूजन. दिस इज हाइपोथेसिस और दिस इज योर कंक्लूजन. सो ये निष्कर्ष बोलते हैं इसको, निष्कर्ष. और ये हमारे पास परिकल्पना, हिंदी में इसको परिकल्पना, परिकल्पना और वो निष्कर्ष. पी इंप्लाइड बाई क्यू, तो दिस इज हाइपोथेसिस और दिस इज योर कंक्लूजन. दिस इज called conditional proposition, P implied by Q. So, जैसे मान लीजिए यदि आज बादल है तो बारिश आ सकती है. तो hypothesis is यदि आसमान में आज बादल आए तो ये conclusion it will be rain, बारिश हो सकती है. यदि मेरे 40% marks आएंगे तो मैं pass हो जाऊंगा. ये 40% is a conditional proposition. This is called conditional statement or implication. जिसको हम कहते हैं यदि P हम लोग एक hypothesis मानते हैं, एक परिकल्पना के रूप में इसको मानते हैं, और Q जो हमारा वो निष्कर्ष के रूप में इसका आंसर आएगा, P implied by Q. तो this is in the table form P Q then P implied by Q is given by T T T F F T F F. There are the four conditions. Then P implied by Q is same as T. Okay. First is T, Q is true. Second में F रहेगा. Third में यदि false है, तो ये true हो जाएगा. False, false, true.
सो दिस इज, देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास प्रकथन का मान सत्य मान एफ है, तो प्रकथन पी सत्य है, तो प्रकथन क्यू असत्य है, तो उसका मान सत्य मान टी होगा। मीन्स ट्रू टेबल में, ट्रू टेबल में कंडीशनल प्रपोजिशन मीन्स इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, क्योंकि जो निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष है वो फॉल्स है। देन अगेन फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू तो रिजल्ट विल बी ट्रू, क्योंकि जो निष्कर्ष है वो इसी पे डिपेंड करेगा, और फर्स्ट फॉल्स देन सेकंड आल्सो फॉल्स तो रिजल्ट विल बी ट्रू। मतलब क्या है कि जो पहला ही हमारा असत्य है दूसरा भी असत्य है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। दिस इज योर आंसर, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। फिर कंडीशनल प्रकथन का कन्वर्स, कन्वर्स या इनवर्स और ए कंट्राडिक्शन ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंट्राडिक्शन मीन्स इसका जस्ट अपोजिट फॉर्म, अपोजिट का मतलब जैसे हमारे पास नेगेशिएशन ऑफ पी इम्प्लाइज बाई नेगेशिएशन ऑफ क्यू, तो नेगेशिएशन ऑफ पी लिखेंगे पहले, फिर नेगेशिएशन ऑफ क्यू इम्प्लाइड बाई नेगेशिएशन ऑफ पी इज इम्प्लाइड बाई नेगेशिएशन ऑफ क्यू बाई द टेबल। आप निकाल सकते हैं इसी सहायता से, इसकी सहायता से आप इसको मान निकाल सकते हैं कि ये पी नेगेशिएशन ऑफ क्यू का मान क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं, बुक में दिए गए हैं उनकी सहायता से आप कर लें। फिर बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल मीन्स इफ एंड ओनली इफ, जैसे पी इम्प्लाइड बाई क्यू, क्यू ऑल्सो इम्प्लाइड बाई पी, पी इम्प्लाइड बाई क्यू एंड क्यू इज ऑल्सो इम्प्लाइड बाई पी, तो दैट इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन से शोज देन सेकेंड कंडीशन ऑल्सो शोज, देन दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। फिर आता है लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस। लॉजिक और बिट ऑपरेशंस मींस इफ ट्रू स्टेटमेंट लॉजिक और बिट ऑपरेशंस, ये क्या कहलाती है, टी को वन कहते हैं और फॉल्स को जीरो से। कंप्यूटर लैंग्वेज है, टी इज डिनोटेड बाय वन, ट्रू इज डिनोटेड बाय वन एंड फॉल्स इज डिनोटेड बाय जीरो, सो दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑपरेटर ऑपरेशंस या ऑर्बिट ऑपरेशंस या बिट ऑपरेशंस कहलाते हैं। इनको बुलियन अलजेब्रा में भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की सहायता से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। इसमें सारे कंडीशंस बिट और लगा रखी है, फिर हम इसके एंड और नॉट गेट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर इस चैप्टर को पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर बुलियन अलजेब्रा शुरू करेंगे। थैंक यू।